हाय एवरीवन, विशिंग यू वेरी हैप्पी संडे एंड आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम बात करेंगे कि पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, हाउ वी कैन बी अ पॉजिटिव पर्सन। मेरा लास्ट काफ़ी महीनों से डिस्कशन चल रहा है काफ़ी लोगों के साथ, एंड एवरी वन वॉन्ट टू बी अ पॉजिटिव, लेकिन कैसे पॉजिटिविटी को लेके आ सकते हैं उसकी कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है आप अगर उसको फॉलो करें तो शायद आप भी पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ पाएँ। पहला एक्शन आपको क्या करना चाहिए, पहला एक्शन रहना चाहिए कि इन होल डे व्हाटएवर पॉजिटिव व्हाटएवर यू डू फाइंड आउट वन पॉजिटिव एक्टिविटी विच यू डिड। तो दिन भर में कुछ भी पॉजिटिव किया है उसको आप लिखिए अपने डायरी में, देन यू सी हाउ यू विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। जब आप घर से बाहर निकलते हैं आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप लेफ्ट पाँव आगे रखते हैं राइट पाँव आगे रखते हैं, दिमाग में रखिए कि जब भी आप घर से बाहर निकले राइट पाँव अपना आगे रखें। लिफ्ट से बाहर निकलते हैं राइट साइड से मुड़ के जाइए, किसी के साथ में कुछ लेन देन करते हैं या कुछ किसी को देते हैं तो राइट हैंड से सारी चीज़ें कीजिए, बिकॉज दीज ऑल आर द सिम्बल्स टू बिकम अ पॉजिटिव साइड, राइट साइड में आप लोग जा रहे हो। थर्ड वन कि एज सून एज अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार आता है या कोई भी दिमाग में घुस जाता है कि नहीं ये नेगेटिव हो नहीं सकता है, लाइक डॉक्टर अस्थाना इन मुन्ना भाई MBBS उसी तरीके से ही डज लाफ्टर थेरेपी। आपको क्या करना है, आप काउंटिंग कर लीजिए 1 to 10 एंड जैसे आप 10 तक पहुँचेंगे नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आपको दिखनी शुरू होगी। और चौथी कि दिन जो हमको क्या करना है, रिसर्च करना है बेसिकली। दिन भर में जगह भी जहाँ भी आप जाते हैं उसमें एक बार रिसर्च कीजिए, खोजिए कि इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है। इवन इन अ नेगेटिव सिचुएशन ट्राई टू थिंकिंग, थोड़ा माइंड को अप्लाई कीजिए एंड देन यू सी यू विल फाइंड आउट अ पॉजिटिविटी देयर। एंड द लास्ट वन, ऑलवेज स्माइल, एंड वंस यू स्माइल पॉजिटिविटी ऑलवेज विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी एंड जॉइनिंग चेन ऑफ लाइफ।